हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 4 क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे मानव में पाचन, कि मानव में पाचन जो है वो कैसे होता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो ये हमारा चैप्टर सेकंड जो है, ठीक है, प्राणियों में पोषण वो कंटिन्यू है और उसी में हमारा ये टॉपिक है मानव में पाचन। और इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखिए मुख एवं मुख गुहिका। तो बेटा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। और मुख गुहिका क्या होती है, मुंह के अंदर का जो सारा स्पेस है, जगह है, वो क्या कहलाती है, मुख गुहिका कहलाती है, जिसमें हमारी जीभ दांत ये सब आते हैं। अब देखिए भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंत ग्रहण कहलाती है। तो जो आहार है उसको हम शरीर के अंदर जो ले जाते हैं तो ये प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, तो ये जो गुहिका है ये सारी क्या है, ये हमारी मुख गुहिका है, ये हमारी दिखाई गई है जीभ। आफ्टर दैट निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। तो ये बेटा हमारी क्या है, ये है हमारी भोजन नली, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। तो जो ग्रसिका होती है इसके अंदर जो है कुछ इस तरह की क्या होती है, इस तरह की गति होती है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, संकुचन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भित्ति का संकुचन होता है और जिसके कारण क्या होता है कि जो खाना है वो नीचे की ओर सरकता हुआ जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो भाग है वो है हमारा यहाँ पर यकृत। तो ये क्या है, ये यकृत है और इसमें ये जो है ये है पित्ताशय। ठीक है, तो बेटा आप सुंदर सा डायग्राम अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वहां से भी आप इसको जो है चित्र को बनाएंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, हमारा यकृत है और ये पित्ताशय है। सो यकृत का क्या कार्य है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बेटा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आप याद रखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत क्या करता है, यह पित्त रस जो है वो श्रावित करता है, यानी यकृत से जो पित्त रस है वो निकलता है, एक थैली में संग्रहित होता रहता है। तो ये एक थैली में जो है संग्रहित होता रहता है, यानी इकट्ठा होता रहता है। और उस थैली का नाम क्या है, उस थैली का नाम है पित्ताशय। क्या कहते हैं उस थैली को, हम पित्ताशय। और जो ये पित्त रस होता है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी हमारे शरीर में जो हम वसा खाते हैं, घी है, मक्खन है, ठीक है, तो उसके जो उसको पचाने में इस पित्त रस का जो है उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि वसा जो है उसको पाचन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके पाचन में पित्त रस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम करेंगे देखिए, उसके बाद है आमाशय। आमाशय क्या है, आमाशय यानी हमारा पेट, ठीक है, तो वो क्या है, वो है आमाशय। तो ये जो है बेटा हमारा जे शेप का ये क्या होता है, आमाशय से होता है ना जे, तो कुछ इसी शेप का ये क्या है, ये हमारा आमाशय है। अब देखिए ये जो है एक थैली के आकार का होता है आमाशय, मोटी भित्ति वाली, ये मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, थैली के आकार की एक संरचना है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर शुद्धांत्र में खुलता है। तो बेटा देखिए ये क्या है, हमारी ग्रसिका है ना, तो ग्रसिका से खाना जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आमाशय के अंदर। ओके, आमाशय के बाद जो है जाने के बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है, वो जाता है शुद्धांत्र में। तो ये जो हमारा आमाशय है ये कहाँ खुलता है, ये खुलता है इधर शुद्धांत्र में। तो ये जो कॉइलिंग दिखाई गई है ऑरेंज कलर की, ये सारी क्या है, ये सारी शुद्धांत्र है, ठीक है। तो जो आमाशय है एक ओर ग्रसिका से ये खाना लेगा और दूसरी ओर ये शुद्धांत्र में खुलेगा। उसके बाद है आमाशय का आंतरिक सतह जो है, आमाशय का आंतरिक अस्तर स्रावित करता है। तो बेटा आमाशय की जो अंदर की परत है ना, परत, अस्तर बोलते हैं परत को, तो आमाशय का आंतरिक जो परत है वो ये 3 चीजें स्रावित करती है। सबसे पहला क्या है, श्लेष्मा, क्या है ये, श्लेष्मा। दूसरा है पाचक रस और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब इनको आप थोड़ा सा समझेंगे,
देखिए श्लेष्मा क्या है, पाचक रस जो है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीन चीजें हैं। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो श्लेष्मा एक जैली जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है जो आमाशय होता है, इसकी अंदर की जो सतह है, जो ये श्लेष्मा है, ये इसको सुरक्षित रखता है आमाशय के अंदर की सतह को। दूसरा है पाचक रस। अब जो आमाशय है इसमें पाचक रस जो है वो निकलते हैं, यानी भोजन को पाचित करने वाले रस होंगे, और ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन के जो पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। यानी जो प्रोटीन होता है वो भी हमें पाचन, वो भी हमारा जो क्या होता है, पाचित होता है, और उसके पाचन में जो ये पाचक रस हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक अम्ल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो नुकसानदायक हमें या नहीं है, और इसके नुकसान से बचने के लिए ही श्लेष्मा काम करता है। अम्ल क्या करता है, यह अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, कभी हम कई बार हम बिना हाथ धोए खाते हैं, या खाने के साथ भी जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय भी बनाता है। अब देखिए बेटा, आमाशय में क्या निकल रहा है, अम्ल निकल रहा है, तो माध्यम कैसा हो जाएगा, इसके अंदर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे जो ये पाचक रस हैं वो और भी अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें यहाँ पर जो हमारा आमाशय है उसके नीचे यहाँ इस तरह से एक पत्ते जैसी संरचना होती है, इस पत्ते जैसी संरचना को बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो जो ये अग्नाशय है ये क्या है, ये भी एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे यहाँ पर जो है स्थित होती है। इससे कौन सा रस निकलता है, इससे निकलता है अग्नाशयिक रस। आप याद रखेंगे बेटा, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयिक रस, और ये अग्नाशयिक रस क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। देखो बेटा, जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, तो इन सब का पाचन करना होता है। तो जो अग्नाशयिक रस जो इस पत्ते से निकलता है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर अग्नाशयिक रस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को भी पाचित करेगा, वसा को भी और प्रोटीन को भी। तो कार्बोहाइड्रेट को ये जब पाचित करता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें बदल जाता है, सरल शर्करा में, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो बहुत ही सरल शर्करा है, इसलिए डॉक्टर जो है जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है, ताकि हमें इंस्टेंट जो है एनर्जी मिल जाए, इंस्टेंट ऊर्जा हमें मिल जाए। तो उसके बाद देखिए वसा, वसा को बदल के ये किसमें बदल देता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, ठीक है। और प्रोटीन को भी ये बदलकर, जो प्रोटीन के बड़े बड़े कण हैं उनको बदलकर ये अमीनो अम्ल में बदल देता है, जिससे हम वो पाचन आसानी से हो जाता है। अब आपने यहाँ से सीखा कि जो अग्नाशयिक रस है वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए अब खाना कहाँ पहुँच गया, अब खाना पहुँच गया शुदांत्र में, यानी शुदांत्र यानी छोटी आंत। शुदांत्र को क्या बोलते हैं, शुदांत्र को बोलते हैं छोटी आंत। अब बेटा शुदांत्र जो है ये सब क्या है, ये जो इतना ऑरेंज जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा शुदांत्र है। ये अत्यधिक कुंडलित होती है, कुंडलित यानी बिल्कुल एक दूसरे से लिपटी हुई होती है, अत्यधिक कुंडलित। लगभग 7.5 मीटर ये लंबी होती है, ठीक है, सबसे लंबी जो है हमारे पाचन तंत्र का यही भाग है, 7.5 मीटर लंबा। यह यकृत एवं अग्नाशय से श्राव प्राप्त करती है। तो ये जो छोटी आंत है हमारी, जो यकृत से निकलता है, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस, ठीक है ना, यकृत से पित्तरस निकलता है, वो किस में जाता है, छोटी आंत में जाता है। और दूसरा जो है यहाँ से जो अग्नाशय है, अग्नाशय से कौन सा रस निकलेगा, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस, और यकृत से पित्तरस, वो जो है छोटी आंत यानी शुदांत्र में जाते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। इसकी भित्ति से भी कुछ रस जो है वो श्रावित होते रहते हैं, तो इसकी भित्ति जो है उससे भी रस जो है वो क्या होते हैं, श्रावित होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पचा हुआ भोजन। अब देखिए बेटा, जो छोटी आंत होती है ना, यहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से पाचित हो जाता है, ठीक है। यानी पहले भोजन कहाँ आया, भोजन मुख से आया, और कहाँ पर गया, मुख से भोजन आके ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में गया,
आमाशय से किस में गया, शुदांत्र में गया। शुदांत्र में अग्नाशयिक रस मिला और साथ में पितरस मिला, जिससे भोजन पाचित हो गया, यानी अब छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पाचित हो गया। अब क्या करना है, जो पाचित भोजन हो चुका है, भोजन उसको हमें क्या करना है, उसको अवशोषित करना है। ठीक है, तो पचे हुए भोजन को अवशोषित होकर शुदांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। तो बेटा जो ये छोटी आंत होती है ना, इसके साथ बहुत सारी, आप कह सकते हो बहुत सारी जो रुधिर की जो नालियां है ना, वो इसके साथ लगी हुई होती हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ इसके साथ ऐसे लगी हुई होती हैं। तो क्या होता है कि जो छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ है, बिल्कुल सरल पदार्थों में टूट गया है, तो जो ये जो रक्त की नलियां है ना, ये उस पचे हुए भोजन को रक्त में क्या हो जाती है, अवशोषण हो जाता है यहाँ पर, और सारा भोजन कहाँ चला गया, रुधिर में चला गया, खून में चला गया, रक्त में चला गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अवशोषण। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये जो जो हमारे पास ये जो है ना शुदांत्र, छोटी आंत, तो इसकी जो आंतरिक भित्ति है, यानी आंतरिक जो सतह है, इसकी सतह इस तरह उंगली जैसी संरचनाओं से बनी हुई है। ऐसे इस पे क्या है, उंगली जैसी संरचनाएं हैं, जिनको क्या कहते हैं, इन उंगली जैसी संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम, या उनको हम कहते हैं रसांकुर। क्या कहेंगे बेटा, रसांकुर, रसांकुर। ठीक है, तो ये उंगली जैसी संरचनाएं, इनको हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, और इनका क्या कार्य होता है, ये ज्यादा से ज्यादा अवशोषण में सहायता करती हैं। क्योंकि देखिए ना, इससे क्या हो गया, इससे जो है अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ गया, ये यहाँ से पूरा क्षेत्रफल बढ़ गया। इसको कुछ आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एक तो कपड़ा है, कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आप जब उस कपड़े को मोड़ दोगे, ऐसे करके मोड़ दोगे, तो वो थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगा। और अब जब इतने ज्यादा ये जो है इस तरह से, ये क्या है, दीर्घ रोम है, तो सोचिए कितना क्षेत्रफल इसका बढ़ गया। ठीक है, तो इन दीर्घ रोम को जो है क्या है, ये जो है भोजन के अवशोषण का एक तरह से आप कह सकते हो जगह है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब देखिए, सारा भोजन यहाँ पर जरूरी नहीं अवशोषण हो, जो भोजन अवशोषित बिना हुए रह जाता है, यानी जो भोजन यहाँ पर पाचित नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है बृहदान्त्र में। ये जो है, ये देखिए, ये जो है ना, ये कंप्लीट जो ग्रीन है, ये क्या है, ये सारी हमारी बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत है। ये शुदांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है, ये 1.5 मीटर लंबी होती है। शुदांत्र 7.5 मीटर लंबी, तो बृहदान्त्र केवल 1.5 मीटर लंबी है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण ये कर लेता है, यानी जो मल बनता है, मल यानी जो बिना पाचित हुआ भोजन है, बिना अवशोषित हुआ भोजन है, उस मल में से ये जल और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेता है। बचा हुआ अपाचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, ठीक है, और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है, और समय समय पर जो गुदा है, ठीक है, गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निष्कासन कहते हैं, यानी जो भोजन पाचित नहीं होता, उसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है गुदा के द्वारा। तो ये पूरी प्रक्रिया है बेटा कि किस तरह से भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला क्या है, यकृत का क्या कार्य है? तो बेटा आपको यकृत का कार्य लिखना है, तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्तरस स्रावित करती है। तो बेटा ये वाला आपका प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या है, पाचन तंत्र में कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? तो पहला है जीवाणु नष्ट करना। तो बेटा जीवाणु नष्ट करना जो है, कहाँ होता है जीवाणु, आपको भाग कौन से भाग द्वारा ये लिखना है, तो आमाशय। आमाशय में क्या होता है, जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या करता है, वो जो है जो जीवाणु है उनको मारता है। तो एक आप आंसर लिख लेंगे बेटा, आमाशय, ब्रैकेट में आप HCl भी लिख दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इससे आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो आमाशय वो भाग है जहां पर जीवाणु नष्ट होते हैं। बी है बेटा, भोजन का संपूर्ण पाचन। तो हमने बताया भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन शुदांत्र यानी छोटी आंत में होता है। आंसर हो जाएगा शुदांत्र। तो बेटा आप साथ साथ कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है,
दीर्घ रोम अथवा रसा अंकुर किन्हें कहते हैं? तो दीर्घ रोम अथवा रसा अंकुर किन्हें कहते हैं? तो ये वाला आंसर लिखेंगे आप प्रश्न तीन का। शुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसा अंकुर कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न तीन का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चार है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से आपको चित्र जो है ये दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये चित्र दिया गया है, आप इसको वहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये चित्र आपको क्वेश्चन नंबर चार में बनाना है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट। और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। And thanks for watching. Have a nice day.